हेलो एवरीवन आप सभी वेलकम हमारे प्लेटफॉर्म एल नाइट पर और आज मेरे पास है फिजिक्स चैप्टर थ्री का एक और क्वेश्चन जो कि सी के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है आज क्वेश्चन है हमारे पास द लेंथ ऑफ गिवन सिलेंडरिकल वायर इज इंक्रीज बाय हंड्रेड परसेंट ड्यू टू द कंसिक्वेंट डिक्रीज इन डायमीटर द चेंज इन द डिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी ठीक है यहाँ पर हमको क्या करना है हमें फाइंड करना है चेंज इन द डिस्टेंस और हमको दिया गया है कि हमने क्या किया है हमने लेंथ को है जो हंड्रेड परसेंट इंक्रीज कर दिया है अगर मैं लिखूं कि इनिशियल डिस्टेंस क्या थी मेरी वो थी आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए अगर मेरे पास इनिशियल लेंथ एल है अगर इनिशियल लेंथ एल है तो जो हमारे फाइनल लेंथ आएगी एल डैश वो होगी मेरे पास हंड्रेड परसेंट ऑफ एल प्लस इनिशियल वाली या मेरे पास टू एल ठीक है अगर हमारी लेंथ ट्वाइस हो गई है तो एरिया को कम होना पड़ेगा यानी कि हमारे पास नया एरिया क्या आएगा ए बाई टू तभी जो वॉल्यूम है वो हमारी वो क्या रहेगी कॉन्स्टेंट रहेगी ये देखो ट्वाइस एल इंटू ए बाई टू वॉल्यूम अभी क्या हमारे पास एरिया इंटू लेंथ ठीक है मतलब हमारे पास यहाँ पे लेंथ होगी है ट्वाइस और एरिया हो गया हाफ़ मेरे पास आएगा जो आर डैश आएगा वो होगा रो इंटू एल डैश डिवाइड बाई ए डैश ठीक है यानी कि रो इन टू एल डैश की वैल्यू क्या है ट्वेल्व और वो है एरिया है ए बाई टू टू ऊपर चला गया यह आ गया आर डैश इज इक्वल टू फोर टाइम्स ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस ठीक है हमें निकालना है कि द चेंज रजिस्टेंस ऑफ आयर उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल इंटू हंड्रेड फाइनल क्या है फोर आर निशल आर थी नीचे आर इन टू हंड्रेड तो ये आंसर है हमारे पास यहाँ पे तीन सौ परसेंट ठीक है मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया साइड ऑप्शन तो ऐसे इस, इस क्वेश्चन का सलूशन ऐसे कुछ हमारे चैनल पर भी हैं आप जाकर सॉल्व कर सकते हो और ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो थैंक यू